Hello guys, welcome to the Smart Learning. For subscribe, like, share, and for notification, press bell. Today our topic is Anupat evam Samanupat, ratio and proportion. So first of all, first question is 8:28:27: question mark. और ये आया हमारा RRB, HM, NAVARD और BSRB. तो देखते हैं कैसे होगा. ये 8:28 लिख लिया हमने, ये 27 क्वेश्चन मार्क. इसे आगे सॉल्व करते हैं. ये 2 आएगा, ये 4×7 28 7, तो कितना हो जाएगा, 27 × 7/2, तो ये बन जाएगा हमारा 94 1/2. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यदि ए अनुपात बी बराबर 5:9, बी अनुपात सी बराबर 4:3, सी अनुपात डी बराबर 2:3, डी अनुपात ई बराबर 2:5, तो ए अनुपात ई क्या होगा. यह आया है हमारा SSC, CBI, टीचर एग्जाम, RRB और क्लर्क ग्रेड में. तो ये कैसे करेंगे, ए वाई ई निकालना है हमें. तो लिखते हैं ए वाई बी इंटू बी वाई सी इंटू सी वाई डी इंटू डी वाई ई. डी से डी कट जाएगा, सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा, तो ए अनुपात ही आ जाएगा. तो अब इनकी वैल्यू एकदम ए अपॉन बी कितना रखा, 5/9, बी अपॉन सी 4/3, सी अपॉन डी 2/3 और डी अपॉन ई 2/5 से काटते हैं. 5 × 5 गया और कितना होगा, ये आ गया 16/81. तो ए अनुपात ई क्या हो गया, 16:81. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क. और यह आया हमारा क्लर्क ग्रेड, SSC, BTC और TET के एग्जाम. देखते हैं कैसे होगा. तो ए अनुपात बी बराबर ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी बराबर स्मॉल बी रेशियो स्मॉल सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो होता है हमारा, ये होता है AC अनुपात BC अनुपात BD, इसका फॉर्मूला है. तो अब देखते हैं यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमें. तो AC का मतलब क्या है, यहाँ पे A क्या है 3 और C क्या है हमारा, C क्या है हमारा यहाँ पे 3 है. तो 3 कितना, सॉरी ये C अनुपात D होता है, C अनुपात D. ओके तो यहाँ पे AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 3×2 अनुपात, BC कितना हो जाएगा 5×2 अनुपात, BD कितना हो जाएगा 5×3, तो कितना आ जाएगा 6:10:15. ये ध्यान रखना, ये बी अनुपात सी जो है हमने C अनुपात D माना है यहाँ पे, सही है. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. यदि x/y बराबर 6:5, तो 5x+3y/5x-3y क्या होगा. क्या आया हमारा SSC, दिल्ली पुलिस, UDC, CET, BTC और MET में. तो देखते हैं कैसे होगा, ये 5x+3y/5x-3y. अगर हम यहाँ से y कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 5x/y+3. यहाँ से भी हम y कॉमन ले लें, आएगा 5x/y-3. y से y कट गया. अब x/y की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 6:5. तो रख देंगे यहाँ पे वैल्यू हम, 5×6/5+3/5×6/5-3. तो 5 × 5 गया, तो कितना हो जाए, 6+3=9 और 6−3=3, तो 9/3, जिसे देख सकते हैं 3/1. तो 3/1 हो गया इसका आंसर. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज 4x²-3y² ratio 2x²+5y² = 12:19. तो x/y क्वेश्चन मार्क. और यह आया UDC, CET, दिल्ली पुलिस, गेट और कैट के एग्जाम में. तो देखते हैं कैसे होगा. 4x²-3y² / 2x² + 5y² इधर रखा है मैं 12/19. तो अगर हम यहाँ से y² दोनों में कॉमन ले लें तो क्या होगा, y² 4x²/y² - 3/y² 2x²/y² + 5 = 12/19. y² से y² कट गया. तो अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसे इधर ले जाएँ, इसे इधर ले जाएँ,
तो दोनों का अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, सॉल्व करने पाता है 76x² / y² - 57 बराबर 24x² / y² + 60। तो यहाँ से हमारा x² / y² जो निकल के आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 117/52 तथा 9/4। तो x / y कितना आ जाएगा, 3/2, और ये हो गया हमारा आंसर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। a + b = b + c = c + a तथा बराबर 6:7:8 तथा a + b + c = 14। तो सी का मान क्या हो, यह आया दिल्ली पुलिस CET UDC BTC SCAT और DMRC में। तो देखते हैं हम a + b को मान लें 6 के, b + c 7 के, c + a 8 के, हमने ये मान लिया। अब a + b + c हमें पता है करना है, इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ कितना रहेगा, 2 × a + b + c बराबर 6 + 7 + 8। 6 + 7 + 8 कितना होता है, 21 के। तो a + b + c बराबर कितना रहेगा, 21/2 के। a + b + c हमें पता है कितना है, 14 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 × 2/21 अर्थात 7 × 14 = 21, तो 4/3। अब हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम अगर a + b की याद कर लें, a + b बराबर 6 × 4/3, 6k था क्योंकि नीचे है, तो 8, a + b हमारा 8 आ गया। तो हम a + b + c हमें कितना दे रखा था, 14, a + b की वैल्यू हम लग गई 8 + c = 14, तो सी कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा हमारा 6, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या है। तो मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं, मिश्र अनुपात बराबर होता है हमारा 2, पहले वाले का ले लें, दूसरे का ले लें 6, थर्ड का 11 अपॉन 3 × 11 × 2, और इसे सॉल्व कर लें, 3 × 6, 2 × 2 गया, 11 × 11 गया, तो कितना बचा, 2:1। अगला क्वेश्चन है, 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 व 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती निकालते कैसे हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, a, v का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या का फॉर्मूला क्या होता है, b² / a, और मध्य अनुपात का क्या होता है, मध्य अनुपात का होता है √ab। तो क्या हो जाएगा इनका अनुपात, फिर अनुपात बराबर तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, 12 और 30 का, 30² / 12 और अपॉन में 9 और 25 का मध्य अनुपात क्या होगा, √9 × 25। अब जो सॉल्व कर लेते हैं, 30 × 30/12 अपॉन, इसमें से कितना आ जाएगा, 3 × 5। अब इसे काट लेते हैं, काटने पे क्या आएगा, 12 और 2 बार जाएगा, पहले तो 56 × 30, 2 × 15 बार अर्थात 75/15 और 15×75, तो क्या आ गया, 5/1 आंसर। 5/1 क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल संख्या थी, तो हमने माना लेट तीनों कक्षाओं में 2x, 3x, 5x, क्योंकि उनका अनुपात देखा 2:3:5, तो हमने मान लिया। अब उनमें अगर हम 40-40 बढ़ा देते हैं तो संख्या थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बढ़ा दे 2x + 40 / 3x + 40 / 5x + 40, तो कितना हो जाएगा, ये 4:5:7।
अब उन दोनों में से हमने कोई दो नंबर ले लिया, जैसे 2x+40 ओवर 3x+40 ले लिया, इजिकल टू 4/5 दे रखा है हमें रेशियो। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 सॉल्व करके इसे। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी पूछे थे हमसे, कुल विद्यार्थी बराबर 2x+3x+5x, एक्स की वैल्यू हमें पता ही है 20+3×20+5×20, कितना हो जाएगा ये, हो जाएगा 200, जो कि इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काखा गा के वेतन क्रमशः 3:5:5:7 के अनुपात में है, यदि उनके वेतनों में क्रमशः 50%, 60% व 50% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों में क्रमशः अनुपात होगा। तो हमने माना लेट खा कौमा गा के अनुपात, सॉरी के वेतन अनुपात नहीं है, क्रमशः बराबर 3x, 5x, 7x। ओके गाइस, तो हमसे क्या कहा गया है कि इनके वेतनों में क्रमशः 50, 60 और 50 की वृद्धि होती है। तो 3x+3x×50% की वृद्धि कर दी, रेशियो 5x+5x×60% की वृद्धि हो रही है इसके, उसमें रेशियो 7x+7x×50/100, इसके में 50% हो रही है, और रेशियो कितना बन रहा है हमारा, ये हमें रेशियो निकालना है कि रेशियो कितना बनेगा। तो अभी सॉल्व कर लें, 1900 0 से 0 कट गया, ठीक। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे क्या आएगा, यह आ जाएगा 9x/2 रेशियो 8x/11x/2। अब यहाँ पे दो दो है तो इसमें भी अगर 200 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे 16 कर दें, अपॉन में 2 लगा दें, तो लगा देते हैं 9x/2 16x/2 21x/2 16x/2 8x को ही तो कहते हैं, सही है, एक्स से एक्स कर गया, 2 से 2 गया, तो कितना गया रेशियो, 9:16:21, योगेश का आंसर। अगला क्वेश्चन है, 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह 3:2 हो जाए। तो देखो पहले दूध कितना था, दूध है 4/5×45 अर्थात 36 लीटर है, पानी कितना है 1/5×45=9 लीटर है, सही है, 5 क्योंकि टोटल है 4+1=5 होता है, और 4 है उसमें से दूध और 1 है पानी, तो हमने पानी और दूध निकाल लिया अलग अलग। अब हमसे क्या कहा गया कि इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि यह 3/2 हो जाए, तो माना एस लीटर पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए, तब देखते हैं क्या होता है, 36/9+x, एक्स लीटर मिला दिया तो कितना हो जाता है 3/2, तब यहाँ से हम इजीली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स कितना आ जाएगा, और एक्स आ जाएगा 15 लीटर, अर्थात 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो इसका अनुपात 3:2 हो जाएगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 700 रुपये ए बी सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे, बी को सी से आधे मिलें, तो सी का हिस्सा होगा। तो हमने माना ए का हिस्सा जो है वो है एक्स, बी का कितना होगा, ए को बी से आधे मिले तो अर्थात बी का दुगना होगा तो 2x, और बी को सी से आधे मिले तो सी का कितना हो गया 4x। ओके, तो तीनों को जोड़ दो, x+2x+4x=700 रुपीज़, तो एक्स की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपीज़। तो सी का हिस्सा कितना हो गया, सी का हिस्सा 4×100 अर्थात 400 रुपये, ओके इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि रहीम के पास कुछ मुर्गियां एवं गाय हैं, यदि शिरों की संख्या 48 व पैर 140 हैं, तो मुर्गियों व गायों की संख्या है, तो कैसे करेंगे, माना मुर्गियां बराबर x, गाय बराबर
बाई, और कुल कितनी है, एक्स प्लस बाई कितनी है 48, क्योंकि सिर तो सबका एक ही है दोनों का। और हमारे पास अब मुर्गी के सिर के पैर कितने होते हैं, दो, और गाय के कितने, चार, तो अर्थात 2x + 4y बराबर कितने दे रखे हैं हमें, 140, ठीक है, तो आ जाएगा x + 2y = 70। यहाँ रखते हैं x + 2y = 70, सॉल्व करो इसे, माइनस 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 ऐसे एक्स गया तो बचा -y = -22, अर्थात y = 22, तो गाय कितनी हो गई हमारी 22, और मुर्गी कितनी हो गई, मुर्गी हो गई हमारी 48 - 22 अर्थात 26, तो ये हो गया इसका आंसर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, यह है संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह होगा। तो हमने माना दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है, दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात है 1:x, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात 1:x हो गया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/1 + x अर्थात दक्षिणी गोलार्ध का, +2/2 + 3 ये किसका है, ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध का। ये किस चीज़ का अनुपात था, अभी तो हमने निकाला है जमीन का रेशियो, अब हम निकालते हैं पानी का, दोनों के लिए पानी का पहले दक्षिणी गोलार्ध का कैसे निकलेगा, x/1 + x प्लस अब पानी का उत्तरी गोलार्ध के लिए 3/2 + 3 और इजिकल टू हमें कितना दे रखा है 1/2, ओके। अब इसे हम सॉल्व कर लें, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 1 + x, तो यहाँ पे 5 + 2 + 2x, क्योंकि 1 + x से 2 की गुणा करेंगे तो 2 + 2x बचेगा, रेशियो ये भी 5 1 + x और ये हो जाएगा 5x + 3 + 3x = 1/2। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 + 2x / 5 1 + x, रेशियो 5x + 8x + 3/5 1 + x = 1/2। अब रेशियो को हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो बटे में क्या जाएगा 7 + 2x / 8x + 3, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा, = 1/2, ओके गाइस। अब इसे आगे सॉल्व कर लें, एक्स की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 11/4, तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, अभिष्ट रेशियो जो हमसे पूछा गया है वो जाएगा 1:11/4, तो इसे हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो हो जाएगा 4/11, ओके। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। थैंक यू गाइस।